हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दिन के 11:30 बजे से। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और सुबह का नाश्ता करा के और मैंने थोड़ा थोड़ा सा लंच लेके बच्चों को स्कूल भेज दिया था। और बच्चों के आने का अब टाइम भी हो रहा है, जब एग्ज़ाम्स चलते हैं बच्चों के तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे 11:30 पौने 12 बजे तक आ जाते हैं और बच्चे आने में ही हैं। और अभी मुझे दोपहर का लंच भी बनाना है, तो सुबह के बाद मैं अच्छी तरह से सारे घर में झाड़ू लगा रही हूँ पहले, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं फिर जो है काम हमारे संभाले भी नहीं संभलता है। और बच्चे जो है पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा कूड़ा करकट फड़ा देते हैं, कहीं कागज़ काटते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो सोच रही हूँ बच्चों के आने से पहले मैं पूरा घर जो है अच्छी तरह से क्लीन कर दूँ। और सफाई तो मेरी हो चुकी है और लगभग मैं ये काम करते करते टाइम हो चुका है 12 बजे का, और 12 बजे तक मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो आने के बाद उनके तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे लंच। तो फिलहाल मैं प्याज काट रही हूँ, आज मुझे कचौरियाँ बनानी है। तो कचौरियाँ ज़्यादा करके मैं दिन में बनाती हूँ, शाम के टाइम में नहीं बनाती हूँ। और पराठे हो या कचौरी हो, तो हमारे घर में जो है प्याज का जो टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और प्याज खाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो कचौरियों में और पराठों में बहुत ज़्यादा प्याज डालना पसंद करती हूँ, इसका एक अलग ही अच्छा सा प्यारा प्यारा सा टेस्ट आता है। और उसके बाद छील रही हूँ मैं आलू, और आप देख रहे होंगे कि आलू ये छोटे छोटे हैं। तो एक्चुअली ये आलू हमारे खेत में हुए थे, हमने लगाए थे अपने खेत में, तो जो मोटे मोटे आलू थे वो हम जो है खा चुके हैं, और अब रह रहे हैं मीडियम टाइप के छोटे छोटे आलू। तो ये काट के सब्जी में नहीं डलते हैं, इनको उबालना ही पड़ता है, और थोड़े से ही रह रहे हैं तो सोच रही हूँ ये भी ख़त्म हो जाएंगे, फटाफट से इनको ख़त्म कर देती हूँ, फिर ही बाज़ार से लेके आ जाएंगे। और एक मैंने हरी मिर्च काट ली है, और 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाल लिया यहाँ पे लाल मिर्च और गरम मसाला। तो लाइट गरम मसाला खाते हैं, बहुत तेज़ गरम मसाला नहीं है। अगर हम इतना ज़्यादा बहुत जो गरम मसाला होता है ओरिजिनल वो डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लाइट सा गरम मसाला जिसमें धनिया जीरा ज़्यादा होता है वो डाल लिया है, और प्याज वगैरह नमक डालकर अब मैं इसकी स्टफिंग बना लेती हूँ। तो स्टफिंग कभी भी आप बनाएं, तो अगर आप प्याज डाल रहे हो स्टफिंग में और आलू गरम है, तो कभी भी जो है गरम गरम आलू में एक तो नमक ना डालें और प्याज ना डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा एकदम जो है स्टफिंग पानी सा छोड़ जाएगी। और मैंने चूल्हे पे तेल चढ़ा दिया है जब तक मैं कचौरियाँ बना लेती हूँ। तो कचौरियाँ मैं कुछ बनाती हूँ डिफरेंट तरीके से, ताकि कचौरियाँ मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट और थोड़ी सी खस्ता भी बने और सॉफ्ट भी बने, कुछ इस तरह से तो टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ जो बच्चे आसानी से खा लें। तो अक्सर मैं कचौरियाँ बनाती हूँ उसमें हल्का सा जो है मोयन लगा लेती हूँ, यानी घी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से कचौरी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छे तरीके से सिकती है, और ये जो कचौरियाँ है कहीं कहीं से फूल जाती है और कहीं कहीं से थोड़ी सी जो है कुरकुरी हो जाती है, तो जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। नॉर्मल कचौरी की तरह मैं कचौरी नहीं बनाती हूँ, आटे में भी अजवाइन और नमक वगैरह डाल के बनाती हूँ, ताकि कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। और कचौरियाँ मेरे बेटे की फेवरेट हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी होता है कचौरी को बनाना। पहले मुझे कचौरी बनाना नहीं आता था, अभी 2-3 साल से ही आया है, और अब आप यकीन मानिए मैं जब इस तरह से कचौरी बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाती है। पहले मैं बहुत ट्राई करती थी तो मुझसे कचौरियाँ नहीं बनती थी पता नहीं क्यों, फिर अचानक ही मुझसे कचौरियाँ बनने लगी जब मैं इस तरह से फोल्ड करने लगी। तो पहले स्टफिंग जो थी मेरी बाहर निकल जाती थी, तो उसका रीज़न ये था मुझे कचौरी का आटा लगाना नहीं आता था या कचौरियों को बंद करना नहीं आता था, और अब बहुत अच्छी तरह से आता है, बहुत इजीली मैं बना लेती हूँ। और तेल भी अच्छा गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा इसमें आटा डाल के देखा तो गर्म तेल जो है कचौरियाँ तलने के लायक हो चुका है। तो अब मैं कचौरियों को तल लेती हूँ, तो हल्के हल्के से हाथों से कचौरियों को दबाइए और उसको थोड़ा सा आकार बड़ा करते जाइए, बहुत बड़ा आकार ना करें, नहीं तो इसकी जो स्टफिंग बाहर आ जाएगी और कचौरी तेल में जाते के साथ ही खुल जाएगी और इसमें तेल भर जाएगा, तेल भी ख़राब होगा और कचौरी भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और ये देखिए कचौरियों का जो कलर है ना डालते कढ़ाई में डलते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और कचौरियाँ जो है एकदम खस्ता खस्ता सी और बड़ी ही टेस्टी बनने जा रही हैं। तो कचौरियाँ तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नॉर्मल रोटी से कम टाइम में कचौरियाँ बन जाती हैं। तो ये देखिए एक कचौरी मैंने सेक ली है, और मेरा बेटा भी यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि काउंटर पे चम्मच बजा रहा है, तो उसको भूख लग रही है, और सबसे बड़ी बात यह है उसको कचौरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिस दिन मेरे घर में कचौरियाँ बनती है तो उसको भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है, जबकि बेटी को बहुत कम पसंद है, लेकिन वो खा लेती है।
और दूसरी भी कचौरी बनके रेडी हो चुकी है। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप कचौरियाँ किस तरह से बनाते हो। अगर मुझे कोई और तरीका मिलता है कचौरी बनाने का और टेस्टी बनाने का, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा खाना अपने बच्चों के लिए बना सकूँ। और थोड़ी सी जो रेसिपी है आपके लिए भी, आपके साथ भी थोड़ी सी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो ये देखिए कचौरी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, एकदम थोड़ी सी कुरकुरी टाइप बनी है, थोड़ी सॉफ्ट टाइप बनी है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी कचौरियाँ बनी हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।